हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैंने चिकन वन ले लिया है, प्याज ले लिया चार मीडियम साइज़ का। अभी हम लोग तवे पे टमाटर और लहसुन और प्याज और मिर्ची, आपको सूखी मिर्ची डालेंगे, सूखी डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, उसका स्वाद अलग ही रहता है। इसको ब्राउन कर लिए, थोड़ा लाल हो जाए तो इसको मिक्सी में पीसना है हम लोग को। तो देखिए, मसाला है, गरम मसाला है, मैंने मिक्सी मसाला रखा था, ये हल्दी है, एक लाल मिर्ची पाउडर है। तो आपको, मेरे घर में तीखा बहुत पसंद है तो मैंने तीखा इसलिए मिर्ची लिया था। आप लोग किसी भी मिर्ची ले सकते हैं। देखिए, अभी मैंने पीसा है मिक्सी में, तो ये पीस लिया। बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, हम 100 ग्राम तेल डाले हैं। हमारे घर में तेल बहुत कम खाते हैं लोग, इसके लिए मुझे थोड़ा डाला है। तो आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा से। आपके घर में तेल कोई नहीं है डाल, मतलब आपके घर में जैसे कि कोई ज़्यादा खाता हो तेल वाला, तो वो डाल सकते हैं। मीडियम जितना डालना है आपको, मैंने थोड़ा ही डाला है। तो देखिए, मैंने प्याज में स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक लाल होती है तब तक हम लोग, तब तक बताती हूँ कि आप लोग, जब तक लाल होती है। तो दोस्तों, ये अभी लाल हो चुकी है। तो देखिए, लाल हो चुकी है, इसमें हम लोग चलाते रहें, जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहें, धर लगने ना पाए। तो अगर आपको कच्चा स्वादिष्ट तो वैसे भी आती है, इसको हम लोग ढक देते हैं। देखिए, ये ब्राउन हो चुकी है, और थोड़ा करना है हम लोग को ब्राउन। इसके बाद जब ब्राउन हो जाए तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल देंगे, इसको भूनते रहेंगे, इसको भून लेंगे एक साथ, पूरा अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम लोग मीडियम कम गैस करके इसको ढक देंगे, और भून तब तक इसको पानी अच्छा सा ना सूख जाए तब तक भूनते रहेंगे इसको। तो मैं रख दी हूँ, मैं भून रही हूँ। अभी देखिए इसका कैसा आ रहा है, इसको ढक दूँ। इसको ढकने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अभी थोड़ा देर के लिए मीडियम फ्लेम करके ढक दूँगी। तो ढक दिया है। तो दोस्तों, अब देखिए इसको ढक में निकालूँगी। देखिए, इसका तो पानी नीचे पे आ गया है। चिकन आधा चिकन तो हो ही जाता है भूनते भूनते, आधा चिकन हो ही जाता है। हम लोग जब भूनते हैं तभी चिकन हो जाता है आधा। तो देखिए दोस्तों, उसमें का सब पानी छोड़ दिया, तेल छोड़ने लगा। देखिए एकदम पास से तो पानी छोड़ दिया। अभी इसमें हम लोग मसाला डालेंगे। देखिए, मिक्स मसाला मैंने डाल दिया है। तो मैंने इकट्ठा सब पिसवा दिया था, इसमें मैं हमेशा ही पिसवा के डालती हूँ। तो ये हल्दी है और ये गरम मसाला है, एवरेस्ट गरम मसाला है, इसको मैं डालती हूँ इसमें। ये मिर्ची है, आपको कश्मीरी मिर्ची चाहिए तो लाल करने के लिए डाल सकते हो। ये मैं, मेरे घर में तीखा ज़्यादा खाती हूँ, इसके लिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। तो अभी इसको सब डाल दिया है, और जो हम लोग पीसे थे अब उसकी बारी है। देखिए, अब उसको हम, ये देखिए पीसा हुआ रखा है मैंने, अब इसको डाल दीजिए इसमें। अब इसको इसको भून के डाल दीजिए। अब देखिए वक्त ही लाल हो गया, इसको अब चलाइए अच्छे से, चला के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। देखिए अब कैसे भून के कैसा आया इसका कलर, कितना अच्छा लग रहा है, कलर मन कर रहा है कैसे अभी उठा के खा लूँ। अब इसको थोड़े टाइम, देखिए अब इसका सब इतना टाइम तक ढके कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे, कम आँच में करके। देखिए सब तेल छोड़ दिया है, भूनने के लिए ही भूनते हैं, जिससे भूनते हैं कि इसमें का सब तेल छोड़ के आ जाए। तो हमें, आपको जितना जितना ही पानी चाहिए आप अपना पानी डाल सकते हो। हम लोग चावल से खाते थे, इसके लिए पानी डाल दिए, इतने पानी डाल दिए हैं। तो फिर उसके बाद अब इसको मीडियम चला के नमक अपनी इच्छा अनुसार डालें। किसी के घर में ज़्यादा खाते हैं, किसी के घर में कम खाते हैं, तो आप नमक डाल दें और इसको चला लें अच्छे से, जोर से ना चलाएं। तो चला के अब इसको, देखिए दोस्तों, चिकन ऐसा चीज़ है कि कोई भी खाता है, मतलब 100 में तो 80% तो खाते ही खाते हैं, लेकिन ऐसा चिकन
सभी बनाते हैं चिकन। अब इसको कम ढक दिया मैंने, मतलब सीटी ना लगाए, ऐसे ढक दे, 10 मिनट तक ढक के दे, 5 मिनट तेज कर दे, 5 मिनट कम होगा ढक के। मतलब देखा मैंने खोला है कैसा है क्या है, तो उसको देखे अभी 5 मिनट में और ढक दूँगी थोड़ा सा, ढकने पर देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। देखिए सब तेल इसमें भी ये हो गया है, तो अब इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सब पीस हो गया इसमें का। और 10 मिनट में ढकने से मीडियम में करेंगे तो भूनते भूनते हम लोग का चिकन हो जाता है, और 10 मिनट इसलिए कि मतलब पानी जो डालते हैं हम लोग उसका रस्से रस्से बहुत अच्छे से हो जाए। इसके लिए अब देखिए मैंने परोसता है, 10 मिनट छोड़ दिया परोसे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। या आप भी बना के बनाएं ऐसा, मैंने थाली में निकाला है खाने के लिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए मैंने बहुत प्यार से बनाया है इस चिकन को, आप भी ट्राई करें कि कैसे, आप भी बनाए सब पता है चिकन, लेकिन ऐसे ट्राई करें खाने के लिए जैसे लगता है गाँव के जैसे। अब देखिए बहुत अच्छा है।